मनोज टाइगर भोजपुरी सिनेमा में मनोज टाइगर को बतासा चाचा के नाम से भी जाना जाता है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में मनोज टाइगर एक ऐसे अभिनेता है जिन्होंने भोजपुरी कॉमेडी को एक अलग पहचान दिला दी। मनोज टाइगर ने भोजपुरी सिनेमा में अब तक 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। भोजपुरी की सा टीवी पर पेश है मनोज टाइगर की कहानी। मनोज टाइगर भोजपुरी के इतना बड़ा कॉमेडियन और इतना बड़ा खलनायक कैसे बने, आज मैं आपको सारा कहानी बताऊंगा। क्या अबे तू जा हमरा के धक्का मार ले, हां भर भर गुंडा बदमाश हमरा के देख के मुंह तेले और थे मनोज टाइगर का जन्म 30 मई 1976 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। इन्हें बचपन से ही एक्टिंग अच्छी लगती थी। बतासा चाचा को अब तक 50 से ज्यादा अवार्ड मिल चुका है। इसके साथ ही इन्होंने 50 से अधिक सुपरहिट फिल्में दी है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में मनोज टाइगर ज्यादातर कॉमेडी एक्टर की भूमिका ही की है। खलनायक की भूमिका में भी वो कॉमेडी डाल देते हैं। इनका करियर की बात करें तो इन्होंने अपना करियर रामलीला से स्टार्ट किया था। मनोज टाइगर ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि इनका अभिनय की तरफ रुझान गांव के रामलीला से ही शुरू हुआ था। इनके घर वाले को यह सब पसंद नहीं था, इसलिए इनके घरों के लोग इनसे अक्सर नाराज रहते थे। बतासा चाचा अपना करियर बनाने 1997 में मुंबई चले गए। मुंबई में उन्हें पृथ्वी थिएटर में काम करने का मौका मिला। यहाँ पर उन्होंने अपनी खुद की नाटक मंडली बनाई और कई नाटकों में नाटक प्रस्तुति दी। इसी दौरान उनकी एक प्रस्तुति को अभिनेत्री आयशा जुल्का ने देखा और उन्हें मनोज टाइगर को फिल्मों में काम करने की सलाह दी। इसके बाद मनोज टाइगर का फिल्मी सफर शुरू हो गया। उन्हें पहली फिल्म चलत मुसाफिर मोह लियो रे में काम मिला। चलत मुसाफिर मोह लियो रे में मनोज टाइगर के अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा। इसके बाद मनोज टाइगर को निरहुआ रिक्शा वाला में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के बाद मनोज टाइगर का नाम बतासा चाचा के नाम से मशहूर हो गया। इस फिल्म में दिनेश लाल यादव निरहुआ और अमरपाली दुबे ने मुख्य किरदार निभाया था। बतासा चाचा ने रियलिटी शो को भी होस्ट किया है। उन्होंने कई रियलिटी शो को होस्ट किया है, उनमें प्रमुख है बिरहा मुकाबला और दो दुनी के पांच। बतासा चाचा ने बॉलीवुड फिल्म बाटला हाउस में भी काम किया है। इस फिल्म में जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में थे। मनोज टाइगर को 6वें भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।